सुप्रभात बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने उ की मात्रा से कुछ शब्द बताया था, आज फिर हम लोग बड़ी उ की मात्रा से शब्द। पिछले क्लास में हम लोगों ने बड़ी उ की मात्रा से कुछ शब्द बनाए थे। अब आप लोग अपनी बुक में देखिए बड़ी की मात्रा से कौन कौन सा शब्द दिया हुआ है। बड़ी की मात्रा से दिया हुआ है मूल, भूल, खूब, भूख, कालू, भालू, रामू, चूरा, सूरत, मयूर, कपूर, नूतन, मशहूर, चबूतरा, धूप बत्ती, पतलून, दूध वाला, खूबसूरत, मजदूर, पालतू। जैसे जैसे मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊंगी, ठीक, आप लोग भी उसी तरह से इस शब्द को पढ़िएगा। आगे देखिए क्या है, यहाँ लिखा हुआ है पढ़िए और समझिए। इसमें क्या है देखिए, शामू एक मयूर लाया, शामू एक मयूर लाया। यहाँ शामू में मोह में बड़ी की मात्रा है, यहाँ मयूर में बड़ी की मात्रा है। फिर है देखिए यहाँ शीनू, यहाँ क्या है शीनू, शीनू चूरन चख, सोनू फालतू मत घूम, मोनू दूध पी, पतलून क्या है फालूदा खा, आलू खाकर भालू नाचा, पूनम उठ सूरज निकल आया। आप लोग भी ऐसे रीडिंग लगाओगे। अब क्या है देखिए, शालू नाखून साफ रख। इसमें बहुत सारा शब्द आपको बड़ी की मात्रा से आ गया। यहाँ है शामू, यहाँ है मयूर, शीनू चूरन, सोनू धूम घूम, मोनू दूध, फालूदा आलू, भालू पूनम, सूरज शालू नाखून। ये सब में किसकी मात्रा है, बड़ी उ की मात्रा है। अब यहाँ आप लोग देखिए, यहाँ है नूतन उठ सूरज निकल आया, झाड़ू लगाकर चबूतरा साफ कर, नहा कर फूल चुन, फूल चुनकर माला बना, धूप बत्ती जलाकर पूजा कर, बाबू दूध लाया, दूध पीकर स्कूल जा, नूतन आलू की तरकारी बना, खरबूजा तथा खजूर खा, खूब मन लगाकर पढ़, धूप में मत टहल। इसमें क्या क्या है बड़ी की मात्रा से, यहाँ देखिए नूतन सूरज, जहाँ जहाँ रेड रेड है सब में बड़ी की मात्रा है, झाड़ू, यहाँ है चबूतरा, फिर है आपको फूल, उसके बाद है धूप बत्ती, पूजा, बाबू, दूध, स्कूल, नूतन आलू, उसके बाद है यहाँ खरबूजा, खजूर, खूब, धूप, इस सभी में बड़ी उ की मात्रा है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सूरज, क्या है इसको हम लोग पढ़ेंगे, सूरज निकला खिल गया फूल, चीकू सूट बूट पहनकर जा स्कूल, पूजा अब बाहर जा, आलू मूली तथा खरबूजा ला, सब में उ की मात्रा से बना हुआ है। इसी तरह आप लोग बुक का रीडिंग लगाइएगा। अब यहाँ देखिए क में है अक्षर व मात्रा मिलाकर शब्द लिखिए, ف जोर बड़ी उ की मात्रा जोर ल, क्या हो गया ये फूल, क्या लिखेंगे इसको फूल, फूल, इसको फूल लिखेंगे।
यहाँ है त, जोर र, जोर ब, जोर बड़ी की मात्रा, जोर ज, क्या हो गया ये? देखिए यहाँ फिर से त, जोर र, जोर ब, जोर बड़ी की मात्रा, जोर ज, क्या हो गया ये? तरबूज। फिर है यहाँ म, जोर य, जोर बड़ी की मात्रा, जोर र, क्या हो गया? मयूर। प, जोर त, जोर ल, जोर बड़ी की मात्रा, जोर न, क्या हो गया? पतलून। फिर यहाँ है च, जोर बड़ी की मात्रा, जोर हा, क्या हो गया? चूहा। ख में है निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर बड़ी उ की मात्रा लगाकर शब्द पूरा लिखिए। अब क्या है यहाँ? भाल। तो यहाँ पे ल में बड़ी उ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा भालू। फिर यहाँ है सरज, तो यहाँ स में बड़ी उ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा सूरज। फिर यहाँ है देखिए खर, खर बजा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? खर ब में बड़ी उ की मात्रा लगाएंगे और ज में आ की मात्रा, तो हो गया खरबूजा। अब यहाँ देखिए कबूतर है, तो ब में यहाँ लगाएंगे बड़ी उ की मात्रा तो हो जाएगा कबूतर। फिर उसी तरह से ग में देखिए क्या है? चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। चित्र देखकर वाक्य पूरा करना है, फूल लगाकर, डैश की पूजा कर, क्या है यहाँ? सूरज है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? सूरज लिखेंगे। फिर है डैश चुनकर माला बना, यहाँ फूल है तो फूल चुनकर माला बना। फिर यहाँ देखिए कुछ समय बाद डैश आया, क्या आया? कैची का चित्र है भालू का, तो लिख देंगे यहाँ भालू। फिर यहाँ है डैश तथा खजूर खा, क्या है ये? खरबूजा। खरबूजा तथा खजूर खा, ऐसे ही आप लोग करके बनाइएगा, इसको अपनी कॉपी में ही बनाइएगा।